उनको श्रद्धांजलि दे के इस सभागार को पवित्र कर रहे हैं हम लोग। ये सभागार पवित्र हो रहा है। वो इतनी महान आत्मा थे, उनका जीवन, जीवन का एक एक क्षण हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। आज हम सब उनके चित्र को यहाँ अनावृत कर गौरवान्वित महसूस इसलिए कर रहे हैं कि ये वो जगह है, ये विधानसभा या विधानसभाएं, संसद वो जगह है जहाँ से वो चीज़ें होनी चाहिए जो माननीय बहुगुणा जी करना चाह रहे थे। तो यहाँ हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। 1970 में ये व्यक्ति आने वाले एक दूर दृष्टि को लेकर पर्यावरण का आंदोलन खड़ा कर देगा जो पूरे विश्व में विख्यात है, चिपको आंदोलन। यानी आज कोरोना इस काल में अगर सबसे बड़ा इंजेक्शन कोई है तो ये वातावरण है, पर्यावरण है, ये वृक्ष हैं जिनकी रक्षा के लिए सुंदरलाल भूमराव जी ने अपना जीवन दिया। आंदोलन जब भारत में शुरू हुआ मैं 20 वर्ष का था और उस वक्त जो है ये चिपको आंदोलन क्या है ये समझ में नहीं आया। अखबारों में आया, फोटो आती थी। तो एक व्यक्ति पेड़ों के बचाने के लिए उत्तराखंड में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता है, पेड़ों से चिपक कर हजारों लोग घरों से निकले, पेड़ों को चिपक गए, कोई तो बात है उस व्यक्तित्व में। और उससे प्रेरणा मिली। और वास्तविकता में मैंने अपने जीवन में 1970 के बाद जितने भी पेड़ लगाए हों, जहाँ भी कहीं लगाए, मैं सुंदरलाल बहुगुणा जी को याद करके लगाता हूँ कि ये पेड़ सुंदरलाल बहुगुणा जी की स्मृति में है, उनका पर्यावरण के लिए जो कुछ दिया गया उस स्मृति में। तो इसलिए ये विचार उनकी मृत्यु के बाद निश्चित रूप से मन में आया, क्योंकि विधानसभा में एक निर्णय लिया गया था पहले से ही कि जितने भी शहीद हुए हैं उनकी इस गैलरी में चित्र लगाए जाएं, उनकी स्मृति में कुछ ना कुछ किया जाए। तो उस कड़ी में आज सुंदरलाल बहुगुणा जी भी जुड़ गए हमारे शहीदों में। भारत रत्न जो है वो अपने आप में अपने नाम से प्रभाषित होता है। जिसने इस भारत भूमि के लिए कुछ किया है, निस्वार्थ होकर किया, अपना जीवन दे के किया, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, उस व्यक्तित्व को ये भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न सुंदरलाल बहुगुणा जी को दिया जाएगा, ये मांग आज केजरीवाल जी ने की और निश्चित रूप से बहुत सुंदर है। इसे सुंदरलाल बहुगुणा जी तो ऑलरेडी सम्मानित हो चुके हैं, भारत के वो रत्न थे। उन्होंने पहले शर्त ये रखी कि भाई मैं शादी तभी करूंगी, वो जो गांधी जी की अंग्रेज शिष्य थी सरला में, उनके आश्रम में पढ़ती थी, उन्होंने कहा मैं, ये जनरल सेक्रेटरी थे कांग्रेस के, तो उन्होंने कहा मैं शादी तभी करूंगी जब आप राजनीति छोड़ के और समाज सेवा अपना लें। जो गांधी जी का विचार था, ये लोग 50 किलोमीटर पैदल चल के एक जगह उन्होंने दो झोपड़ी डाली और 19 जून 1956 में इनकी शादी हुई, वहीं से इन्होंने अपना शुरू किया कार्यक्रम। और इन्हीं के संपर्क में आके वहाँ उन्होंने इसको गांधी जी, एक किस्म से गांधी जी के जो विचार थे उसकी प्रयोगशाला बना दिया। और तमाम जो उत्तराखंड के कार्यकर्ता हैं, चाहे चंडी प्रसाद भट्ट हों या धूम सिंह नेगी हों, और एक एपिको मूवमेंट जिन्होंने चलाया पांडुरंग हेगड़े, वो भी उन फील्ड वर्क के लिए आए थे, वो भी उनके वो बन गए, तो सब लोगों की व्यवहारिक शिक्षा वहीं से हुई। हमारे परिवार का लक्ष्य हो जाता है कि हम अपने पिताजी की जो भी उन्होंने पूरे जीवन भर संघर्ष करके पूरी दुनिया को देना चाहा जो जागृति, उसको हम और हमारे बच्चे आगे पूरे समाज को जागृत करें और उस चीज़ को आगे बढ़ाएं।
और मेरी बड़ी बिटिया जो है मेलबर्न से क्लाइमेट चेंज की स्टूडेंट है वहाँ पे, और उसने वहाँ पे एक आगाज़ किया है और ये लगी है उस काम में कि वो दादाजी की इस चीज़ को, ये धरोहर को जो भी पर्यावरण के स्तर पे है उसको पूरे विश्व में फैलाने का काम। उनका जीवन ऐसा था कि उनके एक ही चीज़ समझा, कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहा। उन्होंने जो उतना ही बोला जितना वो अपने पर इम्प्लीमेंट कर सकते थे उतना ही उन्होंने अपने लिए किया, और बहुत कठोर बहुत कठिन जीवन उन्होंने जिया। वो आंदोलन तो शुरू किया था इसी से कि पहाड़ में महिलाओं का बहुत जीवन बहुत कष्ट में था, और बाहर की कंपनियां आकर के वो ले लेते थे ठेके, तो उनको ये था कि यहाँ के लोगों को, यहाँ पहले यहाँ के जो संसाधन है यहाँ के लोगों का उस पर अधिकार होना चाहिए। 13 साल की उम्र में संकल्प लिया कि मैं ठीक है मैं इन्हीं की सेवा करूंगा, इन गरीबों की, जो वंचित लोग हैं, जो बेसहारा हैं, मैं इनकी सेवा करूंगा। और उस दिन से वो खादी पहनने लगे, चरखा कातने लगे। ये तब की बात है जब वो 13 साल के थे। राजनेताओं की जो दृष्टि होती है वो 5 साल तक की होती है कि अगले 5 साल में हम कैसे हमको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलें। तो उन्होंने केवल जैसा कि मैंने कहा कि मनुष्य की चिंता नहीं की, बल्कि पूरी प्रकृति की, जो बेजुबान है, मुकम करोति वाचालम, मुख को वाणी दी, जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी या नदियाँ, जो न किसी के वोटर हैं न किसी के पक्ष में जिंदाबाद या मुर्दाबाद कर सकते हैं, उसकी उन्होंने आवाज़ उठाई। सुंदरलाल बगुना जी तो एक आदर्श है, और इत्तेफाक से क्या होता है कि जहाँ पे उन्होंने सबसे बड़ा एक आंदोलन करा, सुंदरलाल बगुना जी ने जो अपने टाइम पे जो काम करा है, मैं उसको अगर शॉर्ट में बोलूं तो पर्यावरण को किस तरीके से बचा करके और समाज को कैसे उसके साथ जोड़ करके एक आदर्श तरीका बनाया जाए, उसके लिए उन्होंने करा है। लकड़ी लेकर के वो यूएन में उसमें गए थे, जब यूएन का सेशन हुआ था तो अपने साथ लकड़ियां लेकर के गए थे। ये है भविष्य में कैसे हमारा ये जो धरती है ये कैसे बची रहेगी। तो सुंदरलाल बगुना जी को तो एक आदर्श हमेशा ही माना जाएगा। जिन लोगों ने भी अपना जीवन इस समाज के लिए, इस देश के लिए अर्पित किया है, उनका निश्चित तौर पर सम्मान होना चाहिए। उसी में कड़ी में आज स्वर्गीय सुंदरलाल बगुना जी का सम्मान, उनका एक पोर्ट्रेट जो है वो विधानसभा में लगाया गया है, और ये प्रक्रिया हम लगातार करते रहेंगे, देते हैं, देखेंगे आप पूरी विधानसभा में ऐसे महापुरुषों की फोटोज लगी हुई हैं। हमारा मानना है कि एक हम उनको सम्मानित नहीं कर रहे बल्कि हम खुद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ऐसी शख्सियत को आज दिल्ली विधानसभा ने सम्मानित किया। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने एक देश के सामने चिपको आंदोलन के जरिए एक मिसाल पेश की। तो आइए हम सभी क्यों ना पर्यावरण के लिए काम करें और अपना छोटा सा योगदान दें। इंडियन स्टोरी के लिए तरु शर्मा। डू शेयर योर स्टोरी विद इंडियन स्टोरी एनी टाइम एनीवेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल